जयपुर रोड पर केंद्रीय कारागार के सामने चलती कार में लगी आग। सिविल लाइन थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग पर पाया काबू। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर वन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। मंगलवार दोपहर जयपुर रोड पर केंद्रीय कारागार के सामने अजमेर से किशनगढ़ की ओर जा रही एक कार में अचानक आग लग गई। कार चला रहे सिलोरा निवासी ज्ञानेंद्र कुमार ने कार से उतरकर जान बचाई। इस बीच सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलवाया और कार में लगी आग पर काबू पाया गया। सिविल लाइन थाने के ASI राम सिंह ने बताया कि कार फिगो 4 थी, जिसकी बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी है। आग से जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन कार का इंजन जल गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं COVID-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, BPharma और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। अभी तक क्या सूचना मिली थी, क्या हादसा हुआ? थाने से सूचना मिली थी फोन के जरिए कि जेल के सामने की एक गाड़ी में आग लग गई है। इस सूचना पे मौके पे पहुंचे, फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई और गाड़ी चालक किशनगढ़ का रहने वाला है, वो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो गया। कहाँ जा रहे थे? ये अजमेर से किशनगढ़ जा रहा था। जनहानि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, कार में आगे के इंजन जला के। क्या नाम है इनका? ज्ञानेंद्र कुमार है, पिताजी का नाम भवनलाल है, जाति खाती है, निवासी सिलोरा। कौन सी कार है? फिगो फोर्ड RJ14CJ ब्रांड में 25। आपका नाम बताइए? राम सिंह, ASI, ये सिविल लाइन।